रियो ओलंपिक में भारतीय दल पर तंज कसने के बाद अब लेखिका शोभा डे ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पर निशाना साधा है। दरअसल बीते दिनों सचिन ने रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु, साक्षी मलिक के साथ जिमनास्ट प्रतियोगिता के फाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाली दीपा कर्माकर और सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद को उपहार के रूप में BMW कार भेंट की थी, जिसे लेकर शोभा डे ने ट्वीट कर कहा, यह छोटा कष्टदायी मगर जायज सवाल है कि क्या सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों को दिए BMW का पैसा खुद चुकाया। इतना ही नहीं, शोभा ने एक और ट्वीट किया और कहा, ग्रेट एड फॉर BMW, इन महंगी कारों को चलाने के लिए कौन भुगतान करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय एथलीटों के लिए ये सफेद हाथी ना बनकर रह जाए। आपको बता दें कि सचिन रियो में भारतीय ओलंपिक दल के गुडविल एम्बेसडर थे। वैसे शोभा डे का ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने रियो ओलंपिक में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन नहीं करने पर ट्वीट कर तंज कसा था, जिस पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। देखते रहिए टीवी लाइव।